जी राहुल अपने दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी दे देंगे, कौन सी सीट सामने आ रही है, कोडरमा। कोडरमा में चौथे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। अन्नपूर्णा देवी 59,299 वोटों से आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, और विनोद सिंह को 70,417 वोट मिले हैं। तो ये देखिए, अन्नपूर्णा देवी की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। कोडरमा में भी चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। तो एक एक कर राउंड बाय राउंड काउंटिंग पूरी हो रही है, और ये जो डिजिट है, अगर इसमें थोड़ा भी बदलाव होता है, फासला होता है, तो जीत हार वहीं पर तय हो जाएगा। राहुल, बिल्कुल। तो देखिए, जो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर फासले जो है वो काफी कम नजर आ रहा है, चाहे वो सीट कुछ बिहार की भी हो या फिर कुछ सीटें जो है वो झारखंड की भी हो। इन 54 तो लोकसभा सीट पर हमारी नजर है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो ताजा अपडेट है वो ये बता रहा है कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत हार का जो फैसला है वो हो चुका है। और ये फैसला ये बता रहा है कि एनडीए जो है 295 सीटों पर रुझान में बढ़त जो है वो बनाए हुए है, और 228 संख्या जो है इंडिया अलायंस का नजर आता है, यानी कि इंडिया का नजर आता है, और 20 जो सीटें हैं वो अदर्स के खाते में नजर आती है। लेकिन इस बीच खबर की 27 सीटें अब तक बीजेपी जीत चुकी है, तो 9 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस अब तक जीत चुका है। आनंद अमृता आज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। आनंद, जिस तरीके से रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, और ये रुझान बता रहे हैं कि कई बदलाव, कई तब्दीलियां भी कई सीटों पर नजर आ रही है। देखिए राहुल, निश्चित तौर पर, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह देखने को मिल रहा है कि जो सीमांचल का इलाका है, अगर आप किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया देखें, वो बीजेपी एनडीए के पक्ष में जा रहा है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इस बार मुस्लिम वोटरों का पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है और वो महागठबंधन की तरफ जा सकता है, लेकिन तस्वीर कैसे बदल गई ये समझ में नहीं आ रहा। खासकर किशनगंज सीट कैसे फंस गया था? नहीं, किशनगंज सीट फंसते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां पर जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं वो एक उनकी स्वीकारिता है लोगों के बीच में, जो उनके स्वभाव हैं, एक मिलने जुलने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है। डॉक्टर जावेद वहां से कांग्रेस के एमपी रहे हैं, लेकिन जनता के साथ उनका एक डिस्टेंस रहा। नहीं, वो तो अलग बात है सर, इस बार पूरा चुनाव ही दिलचस्प देखने को मिल रहा है, लेकिन सीमांचल में अगर इंडिया को एज मिल रहा है तो इसको कैसे देखें? देखिए, सीमांचल के लोग आपको रंगभूमि मैदान में, वो पसमांदा समाज की बात नरेंद्र मोदी जी ने की थी, शायद ये अपील किया लोगों को कि हमारे हितों में क्या हुआ। ठीक है, ध्रुवीकरण की बात तो होती है जिसमें हम बट जाते हैं।